हाय हेलो गाइस, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ जम्मू व्लॉग। और अब हम लोग जा रहे हैं रघुनाथ जी के मंदिर में। ये तो अंदर का व्यू है रघुनाथ जी टेंपल का। गाइस अंदर का नजारा तो काफी मस्त है, टेंपल काफी सुंदर सा बना हुआ है।
Thank you.
गाइज वो जो अभी तक मैंने आपको दिखाया वो मंदिर के अंदर का नज़ारा था जी। और ये मंदिर के बाहर का नज़ारा, मतलब मंदिर के साइड में काफ़ी बड़ा मंदिर, इसे जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा मंदिर है। और मैं यहाँ पे बचपन में आया था मम्मी पापा के साथ, और अब आया हूँ, आई थिंक कई साल पुरानी बात हो चुकी है, वो 10-12 साल पुरानी, तो इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी सी धुंधली यादें हैं, इतना अच्छे से तो याद नहीं है। मैं वीडियो बंद करनी पड़ेगी क्योंकि अंदर बनाने नहीं देते हैं। इतने देवी देवताओं के बारे में तो मुझे पता भी नहीं है, जहाँ जितने देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई है। मेरी इन सब में नॉलेज बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, ऐसा ना मैं कुछ गलत बोल दूँ, मतलब कुछ मुझे प्रॉपर नाम और कुछ डिटेल पता नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूँ जितना मैं खुद देख रहा हूँ। गाइस कुछ टेंपल्स अभी बाकी रह गए थे और मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, इसलिए मैं सेकंड फ़ोन से ये वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी सी क्वालिटी में डिफरेंस हो सकता है, ये एंड्रॉयड फ़ोन से बन रही वीडियो। तो ये थे नटराज जी, और यहाँ मेरे पैर की वाट लग गई है। महाराजा श्री गुलाब सिंह जी,
भगवान जी शिवलिंग तो गाइस इस टेंपल के अंदर जितने भी टेंपल्स हैं सारे टेंपल्स के दर्शन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, एक भी टेंपल नहीं छोड़ा है और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ का टाइम जोन भी काफ़ी डिफरेंट है, 8 बज चुका है और ऊपर आप देख सकते हैं उजाला है, अंधेरा हुआ ही नहीं, 8 बज गया है, जबकि अपने यूपी में 7 बजे अंधेरा हो जाता है और 8 बजे काफ़ी उजाला है यहाँ पे। एक सेकंड मैं आपको टाइम भी दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए बस 6 मिनट बाकी हैं, लेकिन इस टाइम पे अपने यहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, तारे वगैरह निकल आते और यहाँ पे उजाला है। महिमा है भगवान की, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। वैसे जो है बात, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, मेरे दोनों पैरों में दर्द है उसके बावजूद बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और कोई जगह होती तो मैं पक गया होता, थक गया होता, पर थक तो गया हूँ पर पका नहीं हुआ, मज़ा आ रहा है मुझे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाइज़ मैंने लगभग ब्लॉग कंप्लीट कर दिया, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना। यार मेरे दोनों पैर में दर्द है फिर भी मैंने वीडियो बनाई, फिर भी ब्लॉग कंप्लीट किया और काफ़ी ज़्यादा चला है, तो प्लीज़ इस बात के लिए लाइक तो कर ही देना यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द, टिल देन बाय।